19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की उपलब्धि एवं सीमाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। उपलब्धि के अगर रूप में हम देखेंगे तो नवजागरण का स्वरूप भारतीयों को सामने में रखा। नवजागरण यानी नए रूप से जागना, सांस्कृतिक अस्मिता पर जब चोट पहुंची तो हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने, आंदोलन के प्रणेताओं ने एक ऐसे नवजागरण का संचार किया जिससे लोगों में जागृति तो आए ही, जो अपने पौरुष से हताश उनमें भी नव जागृति का संचार। तो उपलब्धि में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है नवजागरण का स्वरूप भारतीयों के सामने में रखा और उससे रूबरू करा। दूसरा है भारतीयों में आत्मविश्वास, आत्मगौरव का संचार किया। जैसे विवेकानंद ने 1893 के शिकागो सम्मेलन, 1900 के पेरिस सम्मेलन जो कि विश्व धर्म सम्मेलन था, उसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय परंपरा की ध्वजा का वाहन किया। इसके अलावा बौद्धिक चर्चा में हमने पाश्चात्य को चुनौती दी, इससे भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मगौरव का संचार हुआ। धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं को आधुनिक तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा। ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। इससे भारतीयों में अंधविश्वास और भारतीय परंपरा में जो कुरीति घर कर गई थी उससे संघर्ष करने, उससे छुटकारा दिलाने में 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की उपलब्धि अप्रतिम थी। जब हमारे यहां बाह्य आलंबर, बहुदेव बाग, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास हमारे धर्म के मूल स्वरूप को निगल चुका था, परंतु 19वीं शताब्दी के मनीषियों के द्वारा, चाहे राजा राम मोहन राय द्वारा की शुरुआत के कारण उपनिषद से, चाहे दयानंद सरस्वती के द्वारा मूर्ति पूजा विरोध, जाति पाति का विरोध, भेद का विरोध करना, तीर्थ यात्रा का विरोध करना, महिलाओं के साथ जो असम्मान का व्यवहार किया जा रहा था, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा जैसे कुरीतियों से हमें छुटकारा दिलाने में 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई। जाति एवं धर्म, मैं ये नहीं कहता कि जाति एवं धर्म का विवेक पूर्णतः समाप्त हो गया था, इसकी लड़ाई 20वीं शताब्दी में भी लड़नी पड़ी। अंबेडकर और गांधी जी जैसे मनीषियों ने जाति एवं धर्म के विभेद को दूर करने का अप्रतिम प्रयास किया, लेकिन इसकी नींव यहीं पर गई थी। अब जाति धर्म के नाम पर विभेद में कमी आई तथा लोग जाति एवं धर्म से उठकर राष्ट्रीय भावना से सोचने लगे, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होने लगे। और मैंने कहा था आपको, नवगोपाल मित्र ने राष्ट्रीय व्यायामशाला, राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय नाथ विश्वविद्यालय, जो राष्ट्रीय स्वरूप का जो संचार किया था उसमें इनका अहम योगदान था। पांचवा है धर्म ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में संकलन से धर्माचार्यों का एकाधिकार जाता रहा, धर्म का सरलीकरण हुआ, बिचौलियों का अंत हुआ। धर्म धार्मिक ग्रंथ जो लिखे गए थे जैसे संस्कृत में या फारसी में, वो आम लोगों की समझ से बाहर था। सभी को न तो संस्कृत का पूर्ण ज्ञान था, न सभी को पूर्ण फारसी का ज्ञान था।
और इसका फायदा धर्माचार्य उठाते थे अपने मन के हिसाब, अपने लाभ के लिए धार्मिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं की अपने हित के लिए व्याख्या करते थे और लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे। और जो मूल स्वरूप था वो इनके जाल में निगला जा चुका था। लेकिन इन धार्मिक ग्रंथों का जब स्थानीय भाषाओं में अनुवाद हुआ, संकलन हुआ, तो इससे आम लोगों को धर्म के मूल स्वरूप की समझ हुई और इससे धर्माचार्यों का जो कार्यकाल था वो जाता रहा। धर्म के सरलीकृत स्वरूप का हमें पता चला और बिचौलियों का जो अंत हो गया, तो पुरोहित वर्ग, धर्माचार्य वर्ग, मौलवी वर्ग जो ईश्वर और मनुष्य के बीच जो माध्यम का काम करता था उसका अंत इन के द्वारा हुआ। छठा जो पॉइंट है, सैद्धांतिक एवं सांस्कृतिक अलगाव में कमी आई। हमारे भारत में कूप मंडूकता की स्थिति थी, समुद्र से बाहर जाना समाज से बहिष्कृत होने के समान था। तो हमारी जो ज्ञान दर्शन वो सिर्फ सीमित हो गई थी हमारे क्षेत्र को लेकर। जो कूप मंडूकता की स्थिति उससे अलग करके सैद्धांतिक और सांस्कृतिक अलगाव में कमी आई। पश्चिम दर्शन, पश्चिम साहित्य, पश्चिम संस्कृति से इन उपधारकों ने हमें रूबरू कराया तथा आधुनिक विश्व से हमारा साक्षात्कार हुआ। और सबसे प्रमुख रूप से अगर हम देखेंगे तो स्त्री मुक्ति के लिए 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण रहा। सबसे जघन्य जो शिशु हत्या हार्डिंग की समय उस पर रोक लगी। उससे पहले हम सती प्रथा 1829 की धारा 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगाया। हार्डिंग के समय शिशु हत्या पर रोक लगाया गया, शिशु हत्या पर रोक लगाया गया। 1856 में कैदी के समय विधवा पुनर्विवाह का एक्ट पारित किया गया। ये तो जो स्त्री की दुर्दशा थी उस पर कंसंट्रेट किया गया इन सुधारकों के प्रयासों से, जिसमें ईश्वर चंद्रिका सागर हो, राजा राम हो, नारायण हो, अप्रतिम काम किया। इसके अलावा स्त्री शिक्षा, बैतूल ने स्त्री शिक्षा के लिए बालिका विद्यालय, बेट्टन ने विधवा आश्रम, मैं विधवा महिला विश्वविद्यालय, रानाडे ने विधवा आश्रम, विधवा संघ की स्थापना की, रमाबाई रानाडे ने फेमिनिज्म को, भारत में नारी आंदोलन को का फैलाव अधिकतर बुद्धिजीवियों में किया। तो स्त्री से जुड़ी हुई जो कुरीति थी, बाल विवाह हो, 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट हो, उसमें आयु 14 महिला बच्चों लड़कियों की, एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट हो जो मालावाली ने 1892 में दिया था, उसमें एज महिलाओं का 12, जिसका बाल गंगाधर तिलक ने विरोध भी किया था। आगे जाके 20वीं शताब्दी में 1930 में शारदा विलास शारदा एक्ट में 14 वर्ष आयु की गई। इसके अलावा ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 में भी केशव चंद्र सेन सिंह के प्रयासों से आया था, उसमें बहु विवाह पर रोक लगाने की बात कही गई। तो और स्त्री शिक्षा के लिए भी बेहतर प्रयास किए गए। अगर मैं 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे प्रमुख चीज मैं अगर मानता हूं तो वो है स्त्री मुक्ति के लिए, स्त्री के उत्थान के लिए जो प्रयास किए गए वो अप्रतिम। अब हम लेकिन अगर हम अगर उपलब्धियों को देखेंगे, इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद इस
19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की अपनी सीमाएं थी। यह सीमाएं यह थी कि इसका प्रसार आम जन तक नहीं था, इसका प्रसार शहरी शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा।